मारे ई लड़का पाद मारे, पाद मारे ई लड़का पाद मारे, घर महकाए महकाए होश उड़ाए, बीच सड़क पे जोर से बाजा बजा के मूली पराठा खा के वो लड़का पाद मारे, पाद मारे वो लड़का पाद मारे, पाद मारे वो लड़का पाद मारे। इतनी सुबह सुबह उठकर मैं अभी संडास तक नहीं गया और सुबह सुबह कौन आ गया घर में? इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो पापा? टहल के आ रहा हूँ, हट सामने से। अरे चंपा रानी, मेरी दीवानी आधी जनानी, तुम्हारे लिए मैं लाया हूँ गुलाब, फूल है गुलाब का मजा लीजिए, फूल है गुलाब का मजा लीजिए, और पिछवाड़ा टेढ़ा करके पा दीजिए। कुछ महक रहा है, बहुत ही खराब महक रहा है। चंपा रानी, तुम भी गजब हो, सुनकर आंख नहीं खोली लेकिन सूंघ कर आंख खोल दी। मतलब ये सुबह सुबह क्या बक रहे हो जीजू? मतलब ये कि तुमको बुला रहे थे तो आवाज सुनकर आंख नहीं खोली, अरजुआ पाद दिया तो पाद सूंघ कर आंख खोल दी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिल्ली उल्टी कर दी है या कोई कुत्ता पॉटी कर दिया है। अरे ना ही बिल्ली उल्टी की है और ना ही कोई कुत्ता पॉटी किया है, बल्कि ये सुअर का पिल्ला कई दिन से पॉटी नहीं किया है और अब ठसाठस पादे जा रहा है, नाक में दम कर दिया है। ए बाप रे बाप, नाक के अंदर का बाल भी जल गया। का बेटा राजू, इतना बिसैनी कहाँ से पात रहे हो? वहीं से जहाँ से सब पाते हैं पापा, आप कहीं और से पादते हैं क्या? क्या? जीजू, छी, आप भी पू पू पापा करते हैं? ए पूपा की बच्ची, रजुआ का सड़ा हुआ सुगंध सूंघ कर दिमाग भी सड़ गया है मेरा, इसलिए ज्यादा चूचा मत करो। छेदी सिंह, बिना कंफ्यूज हुए इतना पादूंगा, इतना पादूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना पादा तो आखिर पादा कहाँ से? जीजू, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, राजू का इलाज करवाओ, नहीं तो अगला परमाणु बम यही फूटेगा। हाँ, करता हूँ फोन डॉक्टर को। बेटा लंबी सांस लो, अब छोड़ो। अबे ये क्या किया बेरजुआ, तूने तो डॉक्टर को ही बेहोश कर दिया। अरे पापा, डॉक्टर अंकल ने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो छोड़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए था इनको। अरे बाप रे, चक्कर तो मुझे भी आने लगा है, लेकिन जैसे तैसे खुद को बेहोश होने से रोक रखा है। इतनी मेहनत मत करो पापा, अगली बार जब बम फोड़ूंगा ना तो आपको बेहोश होने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। अपने बाप से ऐसे बात करते हैं? मम्मी, तुमको मेरी बात पसंद नहीं है, इनको मेरी पाद पसंद नहीं है, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? ये ले, गरम पानी पी, गरम पानी पीने से प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो पॉटी आएगा, और एक बार पॉटी आ गया ना फिर पाद नहीं आएगा। लेकिन इन डॉक्टर साहब का क्या करें, ये बेहोश हैं, इनको होश में लाना बहुत जरूरी है। इनको तो मैं एक मिनट में होश में ला दूंगा। हा? वो कैसे? मैं इनके कान में एक मंत्र फूकूंगा और इन्हें होश आ जाएगा, आप बस देखते जाओ। जल्दी से उठकर बैठ जाओ डॉक्टर अंकल, नहीं तो मुंह पे पाद दूंगा।
मेरी नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो, मैं जा रहा हूँ। अरे सच में डॉक्टर साहब को होश तो आया ही, साथ में इतनी एनर्जी भी आ गई कि अपने पैरों पर दौड़ते हुए यहाँ से चले भी गए। अरे वाह, ऐसा कौन सा मंत्र मारा रे रजुआ। पाद से ज्यादा पाद का डर होता है पापा, और डर के आगे जीत होता है पापा, और जीतने के लिए दौड़ना पड़ता है पापा, और इसीलिए तो डॉक्टर साहब दौड़ते हुए भाग गए पापा। अरे तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या बोला कि डॉक्टर साहब भाग खड़े हुए। पापा आप आम खाओ, पेड़ मत गिनो। नाला, जिस पेड़ का आम तू खा रहा है ना, वो पेड़ तेरे बाप ने ही लगाया है, और बाप से ऐसे बात करते हैं? दू क्या एक और चमाट। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मम्मी, ये तुम्हारे थप्पड़ के डर से अपने आप निकली है, कहो तो वापस ले लूं। सच सच बता, तू कितने दिन से पॉटी करने नहीं गया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 दिनों से नहीं गया हूँ मम्मी। 13 दिन से नहीं गया है तू? आज मैं तेरी 13वीं कर डालूंगी। खाली दिन भर खाना है, लेकिन हद में नहीं जाना है। खबरदार, तो मेरे बच्चे पर हाथ उठाया तो, ये अपने बाप के घर में नहीं खाएगा तो क्या तुम्हारे बाप के घर में खाएगा? अगर ये अपने बाप के घर में खाएगा तो इसको हगना भी तो अपने बाप के घर में ही पड़ेगा ना। और ये नालायक 13 दिन से हगने नहीं गया है, 13 दिन तक कौन अपने पेट में पॉटी संभाल कर रखता है? मम्मी जब 13 दिन इंतजार कर ही ली हो तो 1 दिन और इंतजार कर लो ना, हो सकता है कहीं 14वें दिन आ जाए। इसकी क्या गारंटी है कि 14वें दिन तेरी पॉटी हो ही जाएगी? जिस तरह से 14वीं का चांद होता है, उसी तरह से 14वीं की पॉटी भी हो सकती है ना। 14वीं का चांद तो मैं हूँ, जीजू मुझे कहते हैं 14वीं का चांद हो। अरे चंपा रानी, अब मुझे मरवाओगी क्या? ये सब आपस की सीक्रेट बात है, तुम तो खुले आम अपनी बहन को बता रही हो ये सब। तुम्हारी आशिकी का भूत तो मैं बाद में उतारूंगी, अभी पहले राजू की पट्टी उतार लूं। मम्मी तुम पापा की आशिकी का भूत ही उतार लो, क्योंकि वो आसान काम है, मेरी पट्टी उतारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं रोज कोशिश करता हूँ, साली ऐसी चढ़ी हुई है कि उतरती नहीं है। उतरेगी बेटा उतरेगी, एक बार तेरे पापा की पट्टी ऐसे ही नहीं उतर रही थी, सिर्फ 2 ही मिनट लगे उतारने में। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब आपस की सीक्रेट बात है, और तुम तो खुलेआम मेरी इज्जत उतार रही हो, अरे शर्म करो। बता ना मम्मी, तुमने पापा की पॉटी कैसे उतारी थी? बस साबुन चढ़ाया था, पॉटी उतर गई। साबुन? What? साबुन कैसे चढ़ाते हैं? ए जी, बता क्यों नहीं रहे हो कि साबुन कैसे चढ़ाते हैं? मैं बताऊं? हाँ, तो और कौन बताएगा? अच्छा देखो, आदमी जब बीमार पड़ता है तो क्या करता है? टैबलेट खाता है, टैबलेट मुंह में रखता है और पानी पीता है, और टैबलेट अंदर चला जाता है, हैं? तो बस यूं समझ लो कि साबुन चढ़ाने की प्रक्रिया इसकी ठीक उल्टी है। इस प्रक्रिया में साबुन को पिछवाड़े में रखा जाता है, थोड़ा पानी डालते हैं और फिर साबुन अंदर चला जाता है, और ऐसी चिकनाई पैदा करता है कि थोड़ी देर में ही सारी पॉटी बाहर आ जाती है। डरो मत बेटे। डर नहीं रहा हूँ पापा, सोच रहा हूँ कि वो कितना खौफनाक दिन रहा होगा मम्मी के लिए, जब उसे आपको साबुन चढ़ाना पड़ा होगा। हाँ बेटे, वो खौफनाक मंजर कई दिन तक मेरे आँखों के सामने घूमता रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ए जी, खरे खरे क्या देख रहे हो, पकड़ो इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे, मुझे साबुन नहीं चढ़वानी है। निकर खोलो इसका, चड्डी भी उतारो, डालो डालो साबुन डालो जल्दी से, थोड़ा पानी भी डालो। तेरे की साबुन चढ़ाते चढ़ाते ही हग दिया इसने, इतनी जोर का प्रेशर मारा कि थोड़ा सा मुंह में भी चला गया।